हेलो प्यार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो आज पढ़ने वाला एक आपका नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ना काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। यहाँ से आपके जो इस चैप्टर से आपके यूपीपी के एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। तो यहाँ पर समझते हैं क्या होता है आपका प्रॉफिट लॉस, क्या होता है उसके जो बेसिक कुछ ऐसे आपके शब्द हैं जो आपको जानना ज़रूरी है ना, जो आपके सवालों में यूज़ होंगे यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला जो आपका शब्द मिलता है, पहला जो आपका शब्द मिलता है, पहला क्या मिलता है आपका? क्रय मूल्य मिलता है, क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं लागत मूल्य भी बोलते हैं, क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी बोलते हैं ना। इसके जो इंग्लिश होती है कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस। ये देखिए कॉस्ट प्राइस आपका ना, कॉस्ट प्राइस क्या होता है ध्यान दीजिए, जो भी आप किसी वस्तु पे जो टोटल आप खर्च करते हैं, ठीक है, जो भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है किसी वस्तु पर उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोडक्ट, इन अ प्रोडक्ट ना, किसी वस्तु पर जो टोटल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे आपने क्या किया, बहुत ध्यान समझिए, जैसे आपने एक बाइक खरीदा, जैसे आपने एक बाइक खरीदा, ठीक है, कितने खरीदा हमने, मान लिया आपने जो बाइक खरीदा वो 50,000 रुपये की पुरानी बाइक आपने खरीदा, 50,000 रुपये की आपने एक पुरानी बाइक खरीदा, ठीक है, ये 50,000 रुपये की आपने क्या किया, पुरानी बाइक खरीदा। अब उसके ऊपर आपने क्या किया, जो परिवहन का जो खर्च हुआ उसको घर तक लाने में जो आपका खर्च लगा, यहाँ पे जो परिवहन का जो खर्च लगा, परिवहन का जो खर्च लगा, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च लगा आपका, हमने मान लिया जो आपका परिवहन पे जो खर्च आपका लगा 4,000 रुपये आपका लग गया, ठीक है, 4,000 रुपये आपका परिवहन पे खर्च हुआ। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको मरम्मत भी करानी है, गाड़ी आपके पुराने थे है ना, उसको जो बनवाने में जो आपका खर्च हुआ, यहाँ पे उसका जो मरम्मत में जो खर्च हुआ, मरम्मत, ये आपका जो मरम्मत में जो आपका खर्च हो गया, आपका 2,000 रुपये आपके मरम्मत में खर्च हो गए, ठीक है, उसको बनवाने में जो आपका खर्च लगा 2,000 रुपये खर्च आपका हो गया। तो आप बताइए जो आपके जेब से कितना पैसा गया, जो आपके जेब से जो पैसा आपका गया है जेब से, वो बोलेंगे 56,000 रुपये गया है। आप बताइए जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका लगा इतना लगा है, ये जो आपकी जो बाइक ना, बाइक जो आपके चलाने लायक जो हुई यहाँ पे ना, वो 56,000 की आपकी पड़ गई यहाँ पे। तो इसे बोलते हैं, यही जो आपका यहाँ कहलाएगा आपका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा आपका, ठीक है। ये काफ़ी देखिए आपके इसके ऊपर सवाल भी बहुत आता है आपका, ठीक है। तो ये जो आपका कॉस्ट प्राइस आपका जो पड़ा यहाँ पे, लागत जो मूल्य आपका सीपी जो ना, कॉस्ट प्राइस आपका पड़ा बाइक का, जो ये आपका पड़ा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बाइक का, ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पड़ गया आपका, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जो टोटल आपका लागत मतलब लगती है। आगे जो आपका एक आता है शब्द आता है आपका विक्रय मूल्य, या फिर बोलते हैं बिक्री मूल्य बोलते हैं, या बोले विक्रय मूल्य या बोलते हैं बिक्री मूल्य, दोनों आपके चीजें सेम है ना। दूसरा जो आपका शब्द आता है विक्रय मूल्य आपका आता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका जो आता है। अब विक्रय मूल्य क्या होता है ध्यान दीजिए यहाँ पे, विक्रय मूल्य जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होता है ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस क्या होता है, इसे बिक्री मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं लिखा होता है आपका बिक्री मूल्य। क्या होता है,
जब किसी वस्तु को ना जिस दाम पे बेचते हैं, जब किसी वस्तु को, ध्यान दीजिए, जब किसी वस्तु को जिस दाम पर बेचते हैं ना, किसी वस्तु को जिस दाम पर बेचते हैं उसे बोलते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य बोलते हैं, या बिक्री मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। ये होती है विक्रय मूल्य की परिभाषा जो होती है, जिस दाम पे किसी वस्तु को जो बेचते हैं वो जो दाम आपका होता है विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है, विक्रय मूल्य आप बोलते हैं यहाँ पे। ये आपका जो विक्रय मूल्य था, इसके पहले जो आपका यहाँ पे था कॉस्ट प्राइस था। अब इसके बाद जो आपका आता है टर्म, आपका जो आता है, जैसे मान ले आपने जो किसी वस्तु को जो यहाँ पे बेचा, ठीक है, जैसे मान ले आपका सेलिंग प्राइस, ध्यान दीजिए, जो आपका सेलिंग प्राइस आपका जो है किसी वस्तु को आपने कितने बेचा, मान लिया आपने 60,000 रुपये में बेचा, 60,000 रुपये में बेचा आपने, 60,000 रुपये में आपने बेच दिया, तो यही क्या है उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपका है। उस वस्तु का क्या, आपका विक्रय मूल्य आपका 60,000 रुपये, आपका विक्री मूल्य आपका, या फिर सेलिंग प्राइस बोले यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपका जो यहाँ पे टर्म आपका आता है लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, बेहद आपका इंपॉर्टेंट देखिए है, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे, लाभ या हानि क्या होती है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। आपका जो होता है लाभ या हानि, आपका जो होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए आपका जो मेन, आपका जो टर्म आपका यहीं से शुरुआत होता है, जो पहला आपका, देखिए यहाँ पे जो पहला आपका मिलता है लाभ या हानि, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। वैसे देखिए इसमें तीन आपका टाइप, पहला जो आपका, ध्यान दीजिए, जो आपका होता है पहला बोलते हैं लाभ, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट। तो ध्यान दीजिए क्या होता है आपका लाभ क्या होता है, जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य से, बहुत ध्यान समझिए, जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य से उससे ज्यादा में बेचा जाए, ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत से ना उसके ज्यादा मूल्य पे बेचा जाए उसे बोलते हैं, मतलब प्रॉफिट बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जब आपका सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा हो किससे, आपका कॉस्ट प्राइस से आपका ज्यादा हो, ठीक है, तब आपका वहां पे होगा आपका लाभ होगा। जब किसी वस्तु के जो उसके क्या होते हैं क्रय मूल्य से अगर ज्यादा में बेचेंगे, ठीक है, जब बेचेंगे ज्यादा में, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस आपका जो ना सेलिंग प्राइस से आपका कम होगा, या फिर कह सकते हैं जो आपका सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से आपका ज्यादा होगा। ध्यान दीजिए, जैसे समझिए किसी वस्तु को जो आपने खरीद के लेके आया, मान लीजिए जैसे 5,000 रुपये में किसी वस्तु को आपने खरीदा था, ठीक है, 5,000 रुपये में किसी वस्तु को आपने खरीदा था, उसको आपने बेच दिया, कितने बेचा आपने, 7,000 रुपये में आपने बेच दिया, 7,000 रुपये में आपने क्या किया, उसको सेल कर दिया, बेच दिया, तो इस केस में क्या होगा आपका, प्रॉफिट होगा आपका। अरे भाई आपने तो खरीदा 5,000 रुपये में, लेकिन बेच कितना दिया आपने, 7,000 रुपये में बेच दिया, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये सेलिंग प्राइस है, ये जो आपका यहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस आपका है, तो ये जो सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है कि नहीं, यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो उस केस में आपका लाभ कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकला क्या, जो आपका लाभ का जो निकला फार्मूला क्या निकला, लाभ बराबर जो आपका होता है लाभ, जो लाभ बराबर आपका जो होता है प्रॉफिट, आपका बराबर जो होता है प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर आपका विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है आपका, क्रय मूल्य आपका होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य आपका। ये जो आपका देखें यहाँ से लाभ का निकला फार्मूला निकला, लाभ का फार्मूला, ठीक है, ये आपका जो लाभ बराबर क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आपका होता है, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका होता है, ठीक
ठीक है, ये आपका देखिए प्रॉफिट आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लॉस, जो इसे बोलते हैं हानि बोलते हैं। पहला सो आपका हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। दूसरा सो आपका मिलता है, क्या मिलता है आपका, हानि मिलती है, हानि जिसे बोलते हैं लॉस, बोलते हैं लॉस जिसे बोलते हैं लॉस, ठीक है। ये आपका लॉस हो गया यहाँ पे। अब लॉस क्या होता है आपका, जब किसी वस्तु को खरीद के जब लाते हैं ना, उसके कम दाम में बेचा जाए, उससे क्या किया जाए, कम दाम में बेचा जाए, तो क्या होता है उस केस में, जो आपका होता है हानि होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब आपका ना इफ, यदि आपका जो आपका यहाँ पे ना कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो, जब आपका ना यदि आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता, तो उस केस में क्या होता है आपका, हानि आपका होता है, ठीक है, आपका लॉस होता है। समझिए, जैसे आपने किसी वस्तु को ना 5,000 रुपये में आपने खरीदा, 5,000 रुपये में आपने खरीदा, और उसको आपने क्या कर दिया, उसको आपने यहाँ पे क्या किया, 3,000 रुपये में आपने बेच दिया, 3,000 रुपये में क्या किया आपने, बेच दिया। तो आप बताइए, 5,000 रुपये में खरीद के लेके आया, 3,000 रुपये में आपने बेच दिया, तो क्या होगा आपको, लॉसित होगा आपका। तो आप बताइए, जो कॉस्ट प्राइस आपका है सेलिंग प्राइस से ज़्यादा नहीं आपका यहाँ पे आ रहा है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस देखिए आपका ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, तो इस केस में आपका क्या होगा, आपकी हानि होगी। तो यहाँ से निकला क्या आपका जो फार्मूला निकला, कॉन्सेप्ट आपका जो निकला यहाँ पे, हानि बराबर हानि, या फिर बोले लॉस बराबर, या बोले लॉस बराबर, लॉस बराबर क्या आपका होता है यहाँ पे, जो आपका कॉस्ट प्राइस, या फिर बोले क्रय मूल्य ना, या बोले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर, बराबर नहीं माइनस आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये आपका देखिए यहाँ से निकला आपका, इसका फार्मूला जो निकला आपका, हानि बराबर क्या मिला आपका, क्रय मूल्य माइनस क्या, विक्रय मूल्य निकला, ठीक है। उम्मीद करते हो कि आप हर एक टर्म को समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे देखें यहाँ पे, ये आपका जो यहाँ पे देखे आपका हानि हो गया, आपका लाभ हो गया। आपका जो एक केस और जो मिलता है यहाँ पे, अगला जो केस मिलता है, तीसरा केस, बहुत ध्यान समझिए, तीसरा जो आपका केस आता है, तीसरा केस क्या आपका आता है, ध्यान दीजिए, तीसरा केस आता है ना तो लाभ, ना लाभ, ना तो लाभ, ना लाभ, ना हानि, ना लाभ या ना हानि का मतलब क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना तो आपका हानि का जो मतलब है ना, जो आपका उस केस में क्या होता है, जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। इफ यदि सेलिंग प्राइस क्या हो आपका, कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाए, तो उस केस में जो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस, नो लॉस होता है। समझ पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस कलम की जो कीमत थी आपकी 100 रुपये थी, आपने खरीद के लेके आया 100 रुपये के लेके आया खरीद कर, ठीक है, क्या किया इसको, जो 100 रुपये के आपने खरीद के लेके आया, ग्राहक को क्या किया, 100 रुपये आपने बेच दिया, तो उस केस में क्या होगा आपका, ना तो लाभ होगा ना तो आपकी हानि हुई, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो आपका कॉस्ट प्राइस के अगर इक्वल है, तो उस केस में जो आपका ना तो लाभ होता है ना तो आपकी हानि होती है, ठीक है। ये आपके देखिए यहाँ पे तीन आपके टर्म थे, तीनों देखिए यहाँ, पहला जो आपका टर्म था क्या आपका लाभ था, लाभ क्या होता है आपका सॉरी जो आपका सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस से आपका ज्यादा हो, तो उस केस में आपका लाभ होगा, ठीक है। लाभ बराबर क्या, विक्रय मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे था हानि था, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो, तो उस केस में आपकी हानि होती है, तो हानि बराबर क्या होता है आपका, क्रय मूल्य माइनस आपका विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो तीसरा केस मिला आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का केस मिला, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके बाद आपका जो मेन आपका जो आता है ना, बेहद आपका जो इम्पोर्टेंट आपका जो
इसके बाद आपका कंसेप्ट जो आता है, बहुत ध्यान समझिए, बहुत ही ध्यान समझिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिए, लाभ प्रतिशत ना, प्रॉफिट परसेंटेज बोलते हैं। क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज आपका जो होता है ना, बहुत ध्यान समझिए, एक लॉजिकल आपका यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए आप दुकानदार हैं, ठीक है, किसी वस्तु को आपने 100 रुपये में बेच दिया, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, किसी वस्तु को आपने क्या किया, 100 रुपये में बेच दिया। आपसे पूछा जाए कि आप बताइए आपको लाभ हुआ या हानि हुई, आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। जब तक उसका क्रय मूल्य पता ना हो ना, तब तक लाभ या हानि की आप गणना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ना लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज आप तभी निकाल पाएंगे जब तक आपको पता ना हो क्रय मूल्य क्या यहाँ पे है। तो क्रय मूल्य का होना आवश्यक है, तभी आप लाभ हानि निकाल पाएंगे, अन्यथा आप निकाल नहीं पाएंगे। तो समझिए यहाँ पे जो आपका बेस होता है, बेस आपका जो होता है ना, क्रय मूल्य आपका होता है। बहुत ध्यान से, लाभ आपका जो होता है, लाभ लाभ का जो फार्मूला होता है ना, प्रॉफिट परसेंटेज आपका जो होता है, लाभ बटे जो होता है क्रय मूल्य होता है, लाभ बटे क्या, क्रय मूल्य, क्योंकि जो लाभ आपका होता है, बेस आपका जो होता है, बेस, ठीक है, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य पे जो भी आपका हानि या लाभ हो वहां पे, ठीक है। तो क्रय मूल्य इनटू में आपका जो होता है 100 आपका होता है, या फिर कह सकते हैं जो अभी आपने लाभ बराबर क्या पढ़ा, लाभ बराबर आपने जो पढ़ा है ना, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य आपका, और बटे में क्या आपका होगा, क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य आपका बटे में हो जाएगा, इंटू में आपका 100 हो जाएगा, इंटू में क्या आपका 100 हो जाएगा। ये आपका देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सॉरी आपका प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपका सो यहाँ पे आया ना, आपका प्रॉफिट परसेंटेज, आपका प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे, बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे देखिए, ये आपका देखिए प्रॉफिट आपका परसेंटेज यहाँ पे है, बेहद आपका इम्पोर्टेंट आपका, ठीक है। क्या होता है लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में आपका 100, या फिर लाभ के स्थान पे क्या होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे आपका क्रय मूल्य इंटू में आपका होता है 100 होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगला जो आपका आता है, अगला ध्यान दीजिए, अगला जो आपका आता है यहाँ पे क्या होता है, पचवा जो आपका आता है, पचवा क्या होता है, हानि परसेंटेज आपका आता है, हानि प्रतिशत आपका, ठीक है। क्या होता है हानि प्रतिशत, क्या होता है, हमने बताया जो आपका हानि या लाभ होता है आपका क्रय मूल्य पे होता है, जो आपका हानि या लाभ आपका जो होता है क्रय मूल्य पे होता है, तो यहाँ पे आपका हानि है, ठीक, इनटू में आपका 100 आपका, ठीक, बराबर। आप बताइए हान के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, हान के स्थान पे हान कब होगी, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस से आपका ज्यादा हो, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य आपका, अब बटे में क्या होगा आपका, क्रय मूल्य इंटू में आपका ऐसा होता है 100 होता है 100, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की आपकी, सॉरी सॉरी, कॉस्ट प्राइस कहाँ आ रहा है, जो आपका लॉस परसेंटेज आपका सो यहाँ पे, ये आपका लॉस परसेंटेज आपका, ठीक है। इसको अपने कॉपी में आप लिख लीजिए, काफी आपका इम्पोर्टेंट आपका है, ठीक है, ये आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, काफी आपका इम्पोर्टेंट आपका है। लाभ परसेंटेज क्या होता है, हानि परसेंटेज क्या होता है ना, आगे चले, तो आगे चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे चल रहे हैं, देख लीजिए ना,
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चल रहे आपके अगले, अब ध्यान दीजिए आपने जो पढ़ा यहाँ पे आपने जो पढ़ा यहाँ पे क्या पढ़ा, आपका जो पहला था कॉस्ट प्राइस क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, उसके बाद विक्रय मूल्य क्या होता है, उसके बाद आपका प्रॉफिट क्या होता है या फिर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, सारे के सारे यहाँ पे टर्म को हमने पढ़ लिया बढ़िया से, ठीक है, बकायदे पढ़ लिया। अब उसके बाद आता है ध्यान दीजिए जैसे समझिए यहाँ पे कैसे आप निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे आपने किसी वस्तु का जो आपका विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य जो था आपका, जो क्रय मूल्य आपका था यहाँ पे 1100 रुपये आपका क्रय मूल्य था, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य क्या था आपका 1100 रुपये, उसका क्रय मूल्य था, प्राइस था, ठीक है। क्या किया आपने उसको 1500 में आपने बेच दिया, क्या किया 1500 में आपने क्या किया बेच दिया, 1500 में क्या किया आपने बेच दिया। तो आपसे हमने पूछा आप बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना आपका होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहले आप बताइए यहाँ पे इतने रुपए की आपके चीज थी, इतने आपने सेल किया तो क्या होगा आपका लाभ हो गया ना लाभ। अरे भाई 1100 रुपये आपने खरीद लेके आया, 1500 में आपने बेच दिया तो क्या हुआ उस केस में आपका लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ आप बताइए यहाँ पे 400 रुपये का लाभ हुआ। आप बोलेंगे जी 400 रुपये का लाभ होगा, 400 रुपये का लाभ होगा, ये जो लाभ होगा 400 रुपये का लाभ होगा, 400 रुपये का, ध्यान दीजिएगा 400 रुपये का आपका लाभ हुआ। जो लाभ हुआ किस पर हुआ, जो आपका क्रय मूल्य था 1100, तो 1100 रुपये पे आपका जो हुआ लाभ हुआ कितने का, 400 रुपये का। तो आप बताइए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 400/11 आपका परसेंटेज आपका, इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कितना मिलेगा 36.66% आपका इतना आपका आ जाएगा, ठीक है परसेंटेज आपका। समझ पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी हमारी भाषा को समझ पा रहे हैं, मुझे समझाना चाह रहे हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक आपका आता है लॉस, आपका आता है लॉस परसेंटेज, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे आपका जो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 1100 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है 1100 रुपये है, आपने क्या किया 900 रुपये में आपने बेच दिया, 900 रुपये में आपने क्या किया बेच दिया, 1100 रुपये आपने लेके आया किसी वस्तु को खरीद कर, 900 में क्या किया आपने बेच दिया। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका, अरे भाई 1100 आप लेके आया 900 में बेच दिया, क्या होगा आपका लॉस हो गया, कितने का लॉस 200 का लॉस, कितने का लॉस 200 रुपये का लॉस बोलेंगे आप, है ना। लॉस आपका जो लॉस लॉस आपका जो लॉस परसेंटेज आपका यहाँ पे क्या निकलेगा, लॉस परसेंटेज आप बताइए लॉस कितने का निकला आपका 200 का निकला, 200 का आपका लॉस निकला कि नहीं, 200 रुपये का लॉस आपका। अगर 200 रुपये का जो आपका लॉस हुआ किस पर हुआ, आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, ठीक है। तो इनटू में आप 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, अब इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आपका मिलेगा, यहाँ पे बोलेंगे ये 0 से क्या 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका यहाँ पे रुपीज से आपसे कैंसिल होगा, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपका जो यहाँ पर निकला क्या लॉस परसेंटेज आपका जो निकला 200/ कितना आपका 11% आपका निकला, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 18.18% आपका निकलेगा, ठीक है। आपको पता होगा जो होता है 1/ आपका जो ना 1/ जो 11 होता है ना 1/11 जो होता है 9.09% होता है, इसका आप जब दो गुना करेंगे तो इसका भी करना पड़ेगा आपको दो गुना, हमने देखी परसेंटेज में आपको बताया है एकदम बढ़िया से। तो जब दो गुना करेंगे तो यहाँ 2/11 मिलेगा, जब 2/11 करेंगे तो यहाँ पे कितना इसका डबल करेंगे 18 आपका 18% आपका हो जाएगा, इसका 4 गुना करेंगे तो 4/11 होगा, तो यहाँ पे का इसका भी करना पड़ेगा 4 गुना, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 आपका इतना आपका आएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे निकलता है, ठीक है।
ये आपका देखें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पे ऊपर हमने एग्जांपल ले लिया, जो आपके ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछेगा, इतने रुपए में आपने लेके आया खरीद कर इतने में बेच दिया, तो आप बताइए वहाँ पे कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि आपका हुआ, वहाँ पता करना पड़ेगा। एक चीज़ समझिए, जो आपने यहाँ पे जो आपका यहाँ पे था, बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान समझिए, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे गैप था 400 का गैप था, यहाँ पे 200 का गैप था, जो आपने रियल डाटा का जो यूज़ किया है, जैसे रियल डाटा का मतलब जो आपका कितने थे, जो कॉस्ट पर आपका 1100 था, आपका सेलिंग प्राइस 900 था, इनका जो गैप दिखा 200 रुपये गैप दिखा है ना, तो इसको जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया है, बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान समझिए। यहाँ पे कभी भी आपसे बोले परसेंटेज निकालने के लिए, कभी भी आपसे पूछे परसेंटेज निकालने, जरूरी नहीं कि हम एक्चुअल डाटा का यूज़ ही करें, और आपका आपका नंबर कट रहा किसी नंबर से, उसको आप पहले में सिंप्लीफाई कर लीजिए। समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपका इसके पहले जो सवाल था, आपका कॉस्ट प्राइस क्या था, आपका जो कॉस्ट प्राइस था 1100 रुपये था, बहुत ध्यान समझिए, और सेलिंग प्राइस आपका था यहाँ पे 1500 था, सेलिंग प्राइस कितना था 1500, इसके पहले सवाल आपका यही था ना, और आपसे बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए या फिर लॉस परसेंटेज निकालना, तो इसका आप लीजिए रेशियो, यहाँ पे इसका लेंगे रेशियो, रेशियो लेंगे तो क्या जीरो से क्या जीरो कैंसिल आपका हो जाएगा, हम तब तक काटेंगे जब तक ना, जब तक हम दोबारा सिंप्लीफाई ना कर सकते, मतलब छोटे से छोटे आपके रूप में होता है आपका रेशियो, तो 11 अनुपात क्या मिल गया 15। अब देखिए ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, है ना, दोनों को डिवाइड कर दे, आप बताइए यहाँ पे जो आपका निकला ये रेशियो, आपका निकला रेशियो, आपका रेशियो है ठीक है, ये आपका रेशियो यहाँ पे है, 11 के चीज को आपने क्या किया 15 में बेच दे, कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बोलेंगे 4 का प्रॉफिट हुआ, 4 का जो प्रॉफिट हुआ किस पर, 11 पे ठीक है, 11 पे इसलिए क्योंकि 11 आपका क्या है क्रयमूल है, कॉस्ट प्राइस है, तो आपको निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, प्रॉफिट परसेंटेज 4 का जो प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ, 11 पे बोलेंगे, तो आप करेंगे इंटू आप 100 करेंगे, जो आपका निकलेगा कितना, आपको पता है 1/11 होता है 9.09%, उसी का 4 गुना करेंगे, जो आपका मिलेगा 9 चौका 36, 9 चौका 36% आपका मिलेगा, समझ पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कितना आपका इजिली आपका लग गया ना, अगर डाटा आपका सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ठीक है। आगे देखें यहाँ पे, जैसे आपका इसके पहले क्या था, जो आपका लॉस परसेंटेज का था, जैसे वहां पे था आपका जो क्रयमूल था आपका 1100 रुपये था, 1100 रुपये आपका क्या था, आपका क्रयमूल था ठीक है, 1100 रुपये क्या था आपका क्रयमूल था, और सेलिंग प्राइस कितना आपका था वहां पे 900 रुपये था, बोलेंगे हाँ यही था ना आपका इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया भाई, यही तो था आपका यहाँ पे, तो आप बताइए यहाँ पे बहुत ध्यान समझिए, इसका लेंगे रेशियो, इसका लेंगे आप रेशियो लेंगे तो क्या होगा, रुपीज से रुपीज कैंसिल आपका हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से आपका जीरो कैंसिल, तो यहाँ मिला आपका 11 और यहाँ मिला आपका 9 मिला ठीक है, ये आपका अनुपात निकल गया, अनुपात निकल गया, बोलेंगे हाँ यही आपका मिलेगा अनुपात ठीक है। अब इसको दोबारा आप सिंप्लीफाई कर नहीं सकेंगे क्योंकि ऐसा आपका नंबर है नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दिया ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे बोलेंगे, आप बताइए 11 का कॉस्ट प्राइस है, 2 का आपका सेलिंग प्राइस है, तो क्या होगा 9 का आपका सेलिंग प्राइस है, तो 2 का आपका लॉस हो गया, 2 का जो लॉस हुआ किस पर आपका कॉस्ट प्राइस पर, 2 का जो लॉस हुआ किस पर कॉस्ट प्राइस कितना आपका 11 है, इनटू आप 100 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो मिलेगा 18.18% आपका मिलेगा, 18%, ये आपका लॉस परसेंटेज निकल गया, लॉस परसेंटेज आपका निकल गया, लॉस परसेंटेज आपका निकल गया ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हर एक चीज़ को हमारे जो मतलब कहना जो चाह रहे हैं यहाँ पे, समझाना जो चाह रहे हैं यहाँ पे, जो समझा रहे हैं आपके लिए, आप पूरा हर एक शब्द को बहुत अच्छे सुन पा रहे होंगे और अच्छे समझ पा रहे होंगे यहाँ पे ठीक है। जिनको अगर मान लीजिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, तो उस वीडियो को मतलब एक बार ना देख के आप 2 बार देखिए ठीक है, 3 बार देखिए ठीक है, पहली बार एकदम अस्थायी देख के मतलब एकदम नॉर्मल स्पीड पे, अगली बार आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखिए है ना। चलें आगे, अगला जो आपका आता है बहुत ध्यान समझिए, अगला जैसे समझिए आपने किसी वस्तु को बेचा, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पे बेचा आपको, तो क्या हुआ आपको 20% का लाभ हो गया, 20% का आपको लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया, बहुत ध्यान समझिए, 20% का क्या होगा आपका लाभ हो गया, बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे, बहुत किसी वस्तु को आपने एक निश्चित मूल्य पे बेचा तो आपको क्या हुआ 20% का लाभ हो गया ठीक है।
यहाँ पे जो आपका होता है कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे जो होता है आपका सेलिंग प्राइस आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपका जो मान लिया ना, जो आपका कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका जो होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 20% मतलब क्या होता है, 20% मतलब आपका 20 बटे क्या होता है, आपका 100 होता है, 20 बटे क्या, 100 आपका होता है 20%। यहाँ पे जो बेस आपका है, बेस आपका 100 है, इसको मान लिया हमने क्या, क्रय मूल्य मान लिया, इसको हमने मान लिया क्या, क्रय मूल्य मान लिया हमने, मान लिया जो आपका ना क्रय मूल्य था, आपका जो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस था हमने मान लिया 100 मान लिया, ठीक है। आप बताइए 100 रुपये आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, 100 रुपये आपका क्रय मूल्य है, उसका निकालेंगे 20%, जो आपका निकलेगा 20 निकलेगा, तो 20 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि बोला ना 20% का प्रॉफिट होता है ना, तो 100 का निकालेंगे 20% जो निकलेगा आपका 20, तो 20 का लाभ हुआ, तो उसको कितने बेचेंगे, 100 तो आपका कॉस्ट प्राइस है, 20 का लाभ हो गया, तो आप बोलेंगे 120 में उसको सेल करेंगे, 120 में क्या करेंगे आप, उसको सेल करेंगे 120, ठीक है। तो ये जो आपका निकला यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका 100 था, इसका निकाला 20% 100 का, तो 20 निकला, 20 का प्रॉफिट आपका हुआ, तो कितने में आपने सेल किया, 120 में आपने सेल किया, ठीक है। अगला जो आपका आता है रेशियो, रेशियो मतलब समझिए, ध्यान दीजिए, जैसे 20 आपका जो परसेंटेज आपका होता है, 20% क्या होता है आपका, 1/5 होता है, ठीक है, 1/5 जो आपका नीचे आपका जो दिखाता है नीचे, ये जो नीचे दिखाता है आपका कॉस्ट प्राइस दिखाता है, बेस आपका, ठीक है, बेस आपका कॉस्ट प्राइस है, एक का क्या हुआ आपका प्रॉफिट हो गया, एक का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आपका जैसे 5 का निकालेंगे, 20% निकालेंगे, जो आपका एक निकलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 5 अगर आपका कॉस्ट प्राइस है, 5 का निकालेंगे 20%, जो आपका एक देगा, एक एक आपका प्रॉफिट हो रहा है आपका, 5 रुपये पर ना, 5 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोले कितने में बेचेंगे उसको, कितने में बेचेंगे, 5 एक आपका 6 में बेचेंगे, ये आपका सब कुछ जो आपका रेशियो है, रेशियो आपका जो पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया, जैसे देखिए इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, 20 25 100 हो जाएगा, 20 छक्का कितना, 120 आपका हो जाएगा, जो आपका अनुपात निकल गया, अनुपात 5:6 आपका निकल गया, है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा बहुत ध्यान से, क्या होता है आपका यहाँ पे प्रॉफिट, 20% का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको रेशियो फॉर्म में कैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या क्या चीज़ आपके रेशियो फॉर्म में, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। अब चले सवालों पे, वैसे कोई चीज़ छूटा तो वैसे है नहीं यहाँ पे, जो आपके प्रॉफिट लॉस के संबंधित से कोई आपका टर्म जो बचा है, ठीक है, तो आगे चलें, बोलिए, तो चल रहे हैं आपके सवालों पे, देखिए बहुत ध्यान, सवाल आपके जो होते हैं, सवाल आपके जो हैं यहाँ पे, पहला ही आपका सवाल लेके SSC GD के पेपर का पूछा गया है, पहला ही आपका सवाल जो SSC GD के पेपर का पूछा गया है, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत ध्यान समझिए, आपने जो लेके आया 80 रुपये के संतरे खरीद के लेके आया, आपने क्या किया 95 रुपये को बेच दिया, 95 रुपये में बेच दिया, तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आपका कितने का प्रॉफिट आपका, बोलेंगे 15 रुपये का हो गया प्रॉफिट, आप बोलेंगे 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 15 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किस पर हुआ, जो कॉस्ट प्राइस था 80 आपका, 80 पे आपका हो गया यहाँ पे, तो इनटू आप 100 करें क्योंकि बोला आपको परसेंटेज में, तो ये क्या निकला आपका, लाभ प्रतिशत निकला, लाभ प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकला, प्रॉफिट परसेंटेज लाभ प्रतिशत निकला है ना। इसको सिंपलीफाई करेंगे, 0 से क्या 0 कैंसिल, आपका 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 25 आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पे आप गुणा करेंगे, 15 25 कितना होता है आपका, 75 होता है, अब बटे में कितना आपका 4 होता है, ठीक है, इसको आप भाग करेंगे, 18 चौक जो होता है आपका 72 होता है, बचेगा आपके पास कितना, आपके पास 72 3, तो आपका 7.5% हो जाएगा, तो 18.75% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, जो आपका दिखता है कौन सा आपका ऑप्शन, ए ऑप्शन दिखता है, ठीक है। ये आपका था बेसिक आपका तरीका, तो आपके किताब में ऐसे ही मिलेगा आपका, लेकिन समझिए यहाँ पे हमने अभी को बताया आपको, कभी भी आपसे पूछा हो प्रॉफिट, पूछा हो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा हो, प्रतिशत पूछा हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, रेशियो निकालेंगे, रेशियो क्या करेंगे यहाँ पे, रेशियो निकालेंगे, रेशियो ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे,
ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आप रेशियो निकालेंगे, रेशियो अनुपात निकालेंगे, तो क्या होगा, आपका 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे 16 25 आपका होता है 80, और ये आपका 19 25 आपका होता है 95 होता है। तो ये आपका रेशियो 16:19 निकला। यहाँ क्या होगा, आपका 3 का प्रॉफिट हो गया, 3 का जो प्रॉफिट हुआ किस पर, 16 पे, ठीक है। तो 1/16, तो ध्यान दीजिए 1/16 होता है, 1/16 जो होता है 6.25% आपका होता है। इसका करेंगे 3 गुना, इसका भी करना पड़ेगा 3 गुना, तो 6 त्रिक आपका 18 हो जाएगा और 25 तिया आपका 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3/16, 3/16 का मतलब क्या मिलेगा, आपका 18.75% आपका मिलेगा। ये आपका होगा यहाँ पे क्या, पहला जो आपका ऑप्शन यहाँ पे। इस सवाल को आप ओरली मौखिक बिना पेन उठाए कर सकते हैं पेपर में आप, ठीक है। थोड़ा सा आपके पास अब प्रैक्टिस है, चीज़ें आपके पता हैं, यहाँ पे क्या प्रॉफिट है आपका, क्या होता कैसे क्या जो भी, मतलब यहाँ पे बाकी ये जो आपका डाटा 3/16 क्या होता है, आपका परसेंटेज के रूप में क्या होता है, तो बहुत आसानी से मुश्किल से आपके 10 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को पेपर में कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखें यहाँ पे सवाल, अगला जो आपका ये भी देखें सवाल आपका यहाँ पे, बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे। एक छाता 80 रुपये में खरीदा जाता है और 68 रुपये में बेचा जाता है, तो आपसे बोला हानि प्रतिशत क्या होगा, आपका हानि प्रतिशत क्या होगा, आप बताइए। यहाँ पे जो आपका कॉस्ट प्राइस, इतने में देखिए खरीदा, खरीदा का मतलब कॉस्ट प्राइस, 80 रुपये में आपने क्या क्या खरीदा है और क्या क्या आपने 68 रुपये में आपने बेच दिया, बोलेंगे हाँ, ठीक है। ये तो आपने का यहाँ पे किया है, 80 रुपये में आपने खरीदा, 68 में आपने बेच दिया, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए क्या, आपसे सवाल में जो पूछा है हानि परसेंटेज पूछा है, हानि परसेंटेज पूछा है, तो आपका परसेंटेज पूछा है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, 4 से काटेंगे कितना आपका 20 चौका होता है 80 होता है, ये 4 से काटेंगे 17 चौको होता है 68 होता है, ठीक है। तो आप बताइए 20 की चीज पे ना, ध्यान दीजिए 20 की आपकी यहाँ पे कीमत थी, 17 को आपने सेल किया, तो कितने क्या होगा आपका, 3 का आपका लॉस होगा, 3 का लॉस, 3 का जो लॉस हुआ किस पर, 20 पे, आप बोलेंगे हाँ, इंटम बोलेंगे 100 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 20 21 20 25 100, तो 5 3 15, तो 15% आपका क्या मिला, 15% आपका लॉस हो गया, लॉस 15% का आपका लॉस होगा, जो आपका दिखता है यहाँ पे क्या आपका दिखता है, सी आपका ऑप्शन, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या क्या सिंप्लीफाई कर लिया, 4 से सिंप्लीफाई करेंगे आपका 20 मिलेगा, 4 से यहाँ पे करेंगे 17 मिलेगा, तो 3 का लॉस हुआ, 3 का जो लॉस हुआ एक किस पर हुआ, आपका जो कॉस्ट प्राइस था, आपको हमने बताया ना जो आपका बेस होता है, बेस आपका कॉस्ट प्राइस होता है, यहाँ पे जब भी आपका लॉस या आपका प्रॉफिट होगा, हमेशा जो भी आपका होता है लॉस या प्रॉफिट होता है आपका कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस आपका हमेशा नीचे होता है, बेस आपका होता है, इसी पे क्या होगा आपका 3 का लॉस होगा, ठीक है। इंटू आप 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 20 21 20 25 100, 5 3 15% आपका आंसर, सिंपल सा आपका सवाल था। चलते हैं आपके अगले सवाल पे, अगला आपका सवाल, ठीक है। ये सब आपके शुरुआत के जो सवाल थे यहाँ पे SSC GD के पेपर के पूछे गए, लेटेस्ट आपके 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था जनवरी फरवरी के आपका हुआ था, ठीक है। तो आप बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर, एक खिलौना कितना 950 रुपये में खरीदाता है और 1140 रुपये में बेचा जाता है, तो आपसे बोला है लाभ परसेंटेज क्या होगा। इस सवाल को आप ओरली कर सकते हैं मौखिक, 19 25 95 होता है, 0 तो 0 कैंसिल आपका हो जाएगा, 19 25 95, 19 छक्का 100 होता है, 114 होता है, 5 के सामान को ना आपने 6 में क्या कर सेल किया, इसका मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का जो प्रॉफिट हुआ किस पर, 5 पे, 1/5 क्या होता है आप बोलेंगे 20%, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देखिए आपका क्या है 950 आपका यहाँ पे क्या है, 950 आपका कॉस्ट प्राइस है खरीदा, है ना, खरीदा मतलब क्या कॉस्ट प्राइस आपका, क्या किया आपने 1140 रुपये में आपने क्या क्या बेचा है, इतने के सामान थे इतने में आपने बेचा है, तो आपसे बोला है लाभ परसेंटेज बताइए, लाभ परसेंटेज, तो क्या करें यहाँ पे रेशियो लेंगे, रेशियो तो 0 से क्या होगा 0 कैंसिल आपका यहाँ पर हो जाएगा, 19 25 95 हो जाएगा, 19 छक्का 114 हो जाएगा, 19 छक्का कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ। उसके बाद फिर क्या होगा,
आप बताइए, पांच के सामान को आपने जब छह में सेल किया तो क्या हुआ, एक का आपका प्रॉफिट हुआ, एक का जो प्रॉफिट हुआ किस पर, आपका पांच पे हुआ, पांच पे। तो आप बताइए 1/5 क्या होता है, आपका 20% होता है, 20% ये आपका जो मिलेगा, आपका सही आपका ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका नेक्स्ट आपका सवाल है, ये भी देखिए आपका सवाल SSC GD के पेपर का ही सवाल है। आप देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई में सवाल में देखिए, यहाँ पे 3-0 आपका कैंसिल, यहाँ पे ये भी 3-0 आपका कैंसिल हो जाएगा। बोलेंगे हाँ ये तो आपका, ये भाई देखिए 3-0 आपका कैंसिल, यहाँ पे 3-0 कैंसिल आपका हो जाएगा। 15 किससे कटेगा आपका, 6 10 में आपका 60 हो जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे 6 9 6 6 2 12 हो जाएगा, और काटेंगे यहाँ पे 12 25 60 12 72 सबसे बेस्ट पड़ेगा यहाँ पे ना। देखिए यहाँ पे 3-0 तो आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो 12 25 आपका 60 हो जाएगा, और 12 6 कितना 72। तो आप बताइए पांच के सामान को आपने छह बेचा तो क्या हुआ, एक का प्रॉफिट हुआ, एक का जो प्रॉफिट हुआ किस पर, जो पांच पे, 1/5 क्या होता है आपका, बोलेंगे आप 20% होता है, 20%। ठीक अगला देखिए यहाँ पे, ये आपका देखें यहाँ पे, इसके पहले जो आप था यहाँ, इसके पहले जो आपका सवाल आपने जो किया यहाँ पे, सब कुछ आपका रुपीज में दिया, रुपीज में इतना रुपया, इतना आपका कॉस्ट प्राइस था, इतना रुपया, इतने आपका सेलिंग प्राइस था, आपका रुपीज में दिया था। लेकिन अगला जो आपका देखें यहाँ पे, रेशियम दिया, रेशियम आपका आपका देखे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया। ध्यान दीजिए CP और SP का जो रेशियो आपका दिया है कितना दिया है, 5:3 दिया, 5:3 कितना, 3 दिया है। ठीक है, आपसे बोला होने वाले, क्या बोला, अनुपात में होने वाले जो आपकी हानि निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। आप बताइए पांच के सामान को आपने 3 में सेल किया, 3 में सेल किया है ना, 3 में आपने क्या क्या सेल किया, तो क्या हुआ आपका, 2 का लॉस हो गया, 2 का लॉस किस पर हुआ, आपका 5 पे हो गया। 2/5 क्या होता है आपका, 40% होता है, 40% क्या होगा आपका, लॉस हो गया। तो 40% आपका यहाँ पे दिखता है आपका सी आपका ऑप्शन है ना, समझ पा रहे कि नहीं, बोलिए आगे चलें, आगे चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल देखिए यहाँ पे सेम आपका उसी कैटेगरी का सवाल है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, यहाँ पे आपसे बोला है लाभ परसेंटेज क्या होगा। ये जो आपका 10 क्या है आपका CP है, 11 आपका क्या है SP है, 10 के सामान को आपने क्या क्या 11 में सेल किया, तो 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का जो प्रॉफिट हुआ किस पर, 10 पे, 1/10 क्या कहलाता है आपका, 10% कहलाता है, 1 क्या कहलाता है आपका, 10% आपका, ये आपका हो जाएगा है ना। ये सब GD के पेपर के हैं प्यारे भाई, GD के पेपर के यहाँ पे सवाल देखिए, काफी आपका इम्पोर्टेंट आपका ये भी सवाल आपका। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है, लाभ या हानि परसेंटेज आपको निकालना है। बहुत ध्यान समझिए, जो लोग परसेंटेज पढ़े होंगे गारंटी है इस सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए आपका यहाँ पे क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है, ये जो आपका यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस हमने लिखा, यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो 25% होता है, 25% 25% ध्यान दीजिए, 25% का तो 1/4 होता है, 1/4 जिससे तुलना करते हैं वो आपका होता है बेस, होता है बेस आपका। जो आपका यहाँ पे क्रय मूल्य है ना वो विक्रय मूल्य से कम है, सवाल को ध्यान से पढ़िए, जो आपका क्रय मूल्य है ना वो विक्रय मूल्य से कम है, विक्रय मूल्य से किससे तुलना की है आपका, विक्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य आपका जो यहाँ पे हमने मान लिया क्या, 4 मान लिया, 4, तो 1 कम करेंगे तो कितना आपका कॉस्ट प्राइस आपका 3 आ जाएगा, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। अरे भाई आप बताइए यहाँ पे जो जिससे तुलना करते हैं आपका बेस होता है, तो किससे आपका तुलना किया गया, विक्रय मूल्य से तुलना किया गया, तो विक्रय मूल्य आपका 4 मान लिया, 1 आप कम करेंगे तो आपका 3 क्या आपका आ जाएगा, 4 में से 1 कम करेंगे आपका 3 मिलेगा, 3 आपका कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकल गया, अनुपात आपका अनुपात निकल गया। तो आप बताइए यहाँ पे 3 के सामान को आपने 4 में सेल किया है तो क्या हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का जो प्रॉफिट हुआ किस पर आपका, बोलेंगे 3 पे, तो 1/3 कितना होता है, आप कहेंगे 33.33% होता है, 33.33%, या फिर आपका ऐसा होता है 33 सही 1/3% होता है, या फिर आपका इतना होता है। तो ये आपका निकला क्या प्रॉफिट कहाँ पे दिख रहा है आपका, बोलेंगे ये आपका ए ऑप्शन हो रहा है ना। चल रहे हैं आगे पे, अगला आपका सवाल जो यहाँ पे
यहाँ पे समझिएगा, इस सवाल को बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा इस सवाल को आप। जैसे आपका जो दिया है, एक वस्तु को 14,000 रुपये में खरीदा गया, 14,000 रुपये में क्या क्या खरीदा गया, 14,000 रुपये में, 14,000 रुपये में खरीदा गया, खरीदा गया, और उसके क्रय मूल्य के मतलब क्या, 14,000 के 3/7 पर बेचा गया, मतलब 14,000 का निकालेंगे 3/7, जो भी निकलेगा वैल्यू जो निकलेगी उतने में क्या क्या आपने सेल किया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या बोला, क्रय मूल्य के मतलब के 14,000 के 3/7 पे बेचा गया, 3/7 पे बेचा गया है कि नहीं। सवाल के लैंग्वेज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे सवाल जो बोला है, एक वस्तु को 14,000 रुपये में खरीदा गया, उसके क्रय मूल्य के 3/7 पे बेचा गया, क्रय मूल्य के 3/7 पर बेचा गया है। तो क्रय मूल्य कितना आपका 14 है, इसका निकालेंगे 3/7 निकालेंगे कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 7 × 2 = 14 होता है, 3 × 2 = 6, तो आपका जो निकलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद जो निकलेगा आपका 6,000 रुपये निकलेगा, 6,000 रुपये में, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। बताइए सवाल की भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे इतने रुपए का कॉस्ट प्राइस है, इतने में आपने बेचा, जो निकाला 14,000 का निकाला 3/7 निकालेंगे, जो आपका निकलेगा 6,000 निकलेगा। तो आप बताइए यहाँ पे, ये बताइए आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 3 0 कैंसिल, 2 7 14, 2 3 आपका 6 हो जाएगा, 2 3 आपका 6 हो जाएगा। 7 की सामान को आपने क्या क्या 3 में सेल किया है, क्या हुआ आपका 4 का हुआ लॉस, 4 का जो लॉस हुआ किस पर, 7 पे हुआ। तो 4/7 क्या होता, कोई बता सकता है इसमें से, आपको पता होगा 1/7 जो होता है, 1/7, 1/7 जो होता है, 1/7 क्या होता है, आप कहेंगे 14 सही, 2/7% होता है, बोलेंगे हाँ ये होता है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 14 दशमलव जो होता है 2/8% होता है, लगभग आपका होता है, लगभग आपका होता है, लगभग, ठीक है, ये आपका होता है। उसे क्या करना है, 4 गुना करना है, 4 गुना जब इसका करेंगे, 4 गुना इसका करेंगे, 4 गुना ना, 14 चौका 56, 4 × 8, इसको फिर वापस भाग करेंगे तो 7 × 1 = 7 होगा, 56 में 1 जोड़ेंगे 57 आपका आ जाएगा, 57 सही, 1/7 मिलेगा, इतना परसेंटेज आपका मिलेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो आपका मिलेगा यहाँ पे क्या, ये आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपने इतना जो किया है, जो आपने इसका जो आपका यूज यहाँ पे देखिए, बिना किए हुए भी आपका आंसर आ सकता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो आपने 14,000 रुपये का जो आपने यूज किया है, बिना यूज किए भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, मिटाएं इसको, लिख लीजिए अगर लिखने को मन करे तो, ठीक है, मिटा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप बताइए ये इसका यूज हम नहीं कर रहे हैं, इसका यूज एकदम बिल्कुल नहीं करेंगे। सवाल जो बोला है, उसके क्रय मूल्य के 3/7 बेचेगा, उसके क्रय मूल्य के 3/7 बेचेगा, बहुत ध्यान समझिए, अगर आपसे पूछा है परसेंटेज, तो हम अपनी मर्जी के अनुसार क्रय मूल्य को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हमने माना जो आपका बट्टे का जो यहाँ पे 7 आ रहा है, बट्टे का 7, हमने क्रय मूल्य को मान लिया कितना, आपने 7 में बेचा है, 7 में, सॉरी बेचा नहीं, खरीदा आपने 7 में, क्या क्या आपने खरीदा है, 7 का निकालेंगे 3/7 निकालेंगे, जो आपका 3 निकलेगा, 7 का निकालेंगे 3/7, 7 का निकालेंगे 3/7, 7 का निकालेंगे 3/7 जो निकलेगा आपका 3 निकलेगा, 3, आप बोलेंगे 3 में क्या क्या आपने बेचा है, तो आप बताइए ये आपका जो निकला यहाँ पे क्या, 4 का लॉस हुआ, 4 का जो लॉस हुआ किस पर, 7 पे, तो आप अभी आपने निकाला क्या होता है आपका, ये होता है परसेंटेज आपका होता है, ठीक है। सब कुछ देखें प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अंदर आपके अंदर निखार आपका आएगा, ठीक है, बाकी कुछ यहाँ पे बहुत अलग से यहाँ पे चीजें करनी होती नहीं यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस आपके हो जाएगी अच्छी खासी, तो हर एक सवाल को 90% सवाल को आप ओरली मॉक बिना पेन उठाए कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए अगला आपका सवाल यहाँ पे, एक वस्तु को 15,000 रुपये में बेचने पर सुबीर को, सुबीर या सुधीर कुछ भी बोले, सुबीर ही आपका इंग्लिश में दिया, सुबीर को 2,000 रुपये की हानि होती, हानि बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे, हानि
होती है। तो आपसे बोला हानि परसेंटेज निकाले, अभी आपने पढ़ा फार्मूला, जो पढ़ा फार्मूला जो आपका होता हानि बराबर, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर जो आपका होता है यहाँ पे ना, समझिएगा ये जो बोला आपका 15,000 रुपये में बेचने पर, ये क्या दिया आपका, कोई बता सकता है इसमें से? ये जो आपका यहाँ पे दिया है 15,000 रुपये में बेचने पर, इसका मतलब 15,000 रुपये क्या सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इतने का लॉस होता है, इतने का लॉस होता है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे? तो आप बताइए जो आपका हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। आप या हानि परसेंटेज या लाभ परसेंटेज आप तभी निकाल पाएंगे जब तक आप पता नहीं है आप कर पाएंगे क्या कॉस्ट प्राइस, तब तक निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस का होना अनिवार्य है, कब, जब प्रॉफिट या लॉस पता करना होगा तब। तो ये देखिए जो आपकी हानि हुई आपकी 2,000 रुपये पे हुई, ठीक है, और ये आपका कॉस्ट प्राइस आपका पता नहीं है, विक्रय मूल्य आपका 15,000 रुपये है, तो 15,000 यहाँ पर रखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या आपका जोड़ेगा, तो कितना मिलेगा आप बोलेंगे भैया, 15,000 प्लस कितना 2,000 जो मिलेगा आपका 17,000, 17,000 आपका मिलेगा 17,000, ठीक है? ये क्या निकला आपका कॉस्ट प्राइस निकला, कॉस्ट प्राइस। तो क्या कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया, तो कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया कि नहीं यहाँ पे आप बताइए, और कॉस्ट प्राइस पे आपका यहाँ पे कितना निकला, 17,000 निकला, कॉस्ट प्राइस आपका जो निकला है 17,000 निकला, 17,000 है ना, 17,000 आपका कॉस्ट प्राइस है। तो 2,000 रुपये की आपका नुकसान हुआ, नुकसान जो 2,000 का आपका हानि हुआ है। आपसे बोला परसेंटेज निकालिए, आप ये आपका निकलेगा परसेंटेज, जो आपका लॉस परसेंटेज होगा, लॉस परसेंटेज सिंप्लीफाई करेंगे 3 0 कैंसिल, यहाँ पे आपका 200 और बटे आपका कितना 17, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 17 × 1 = 17 बचेगा 3, 17 × 1 = 17 जो आपका मिलेगा, ये देखिए आपका पूरी पूरी भाग जाएगा नहीं, तो आपका यहाँ पे दिख रहा है आपका, लेकिन आप समझिए जो आपने इतना किया है इस चीज को लॉजिकली आप कर सकते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे आप दुकानदार हैं, किसी वस्तु को आपने 120 रुपये में या फिर समझिए 100 रुपये में आपने लेके आया खरीद कर, ठीक है, 100 रुपये में आपने किसी वस्तु को, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो समझाना चाह रहे हैं आपको ना, इसको मिटाएं यहाँ पे, देखिए इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे, नित रहने दीजिए, ठीक है, समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने, आप दुकानदार हैं, किसी वस्तु को आपने 100 में बेच दिया, 100 में क्या क्या आपने बेच दिया, तो आपको हुआ उस केस में 20 की हानि हो गई, 100 में जो आपने बेचा आपको महसूस हुआ कि 20 रुपये की हानि हो गई, इसका मतलब आपने उसको कितने में खरीदा होगा, 120 में खरीदा होगा ना, सिंपल सा लॉजिक आपका यहाँ पे देखे, 100 क्या आपका यहाँ पे में निकला, 100 में आपने बेचा आपको महसूस हुआ कि 20 की आर आपकी हानि हो गई वहां पे, इसका मतलब आपने जो उस वक्त खरीदा होगा ना, खरीदा होगा 120 में खरीदा होगा, ठीक है, अरे भाई 120 का आपने खरीदा, 20 की हानि हुई, तभी तो आप 100 में सेल किया आपने, है कि नहीं? तो सेम आपका लॉजिक यहाँ भी है, इसको देखिए सिंप्लीफाई, अगर आपका हो रहा है सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पे, ये आपका देखिए सिंप्लीफाई आप कर लीजिए, हमने मान लिया आपने 15 में बेचा, 15 में बेचा तो 2 की आपकी हानि हो गई, इसका मतलब आपको कितने की पड़ी थी, मतलब कितने आपने खरीदा था, 17 में खरीदा, 17 में, 17 में आपने खरीदा, 17 में आपने खरीदा, 15 में आपने बेचा, तभी तो 2 की आपकी हानि होगी, आप बताइए यहाँ पे, तभी तो 2 की हानि होगी, 17 पे 2 की हानि, 2/17 क्या आपका आएगा यहाँ पे, ये आपका जो ए ऑप्शन आ जाएगा, लॉजिकली आप कर सकते हैं, मुश्किल से 1 से 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं, सवाल को कर सकते हैं, ठीक है, चलें आगे। अगला आपका सवाल यहाँ पे देखिए, ये आपका अगला सवाल यहाँ पे सिंपल सा देखिए, आपका ये भी सवाल है, एक विक्रेता जो 12 पाठ्य पुस्तकों को बेचकर 4 पाठ्य पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, अर्जित करता है, उसका लाभ परसेंटेज बताना आपको, लाभ परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे, सिंपल सा वही लॉजिक समझिए, जैसे आप दुकानदार हैं, 100 रुपये कोई चीज आपने बेचा, 100 रुपये कोई आपने चीज बेचा, 20 का लाभ हो गया, इसका मतलब आप 80 रुपये में खरीद के लाया होगा आपने, है ना, तभी तो आपका कॉस्ट प्राइस आपका 80 होगा ना आपका, तो समझिए यहाँ पे, जैसे 12 में आपने बेचा, देखिए 12 में बेचा तो 4 का लाभ होगा,
चार का लाभ हुआ, इसका मतलब आपने 8 रुपए की खरीदा होगा, 8 रुपए की आपका खरीद आपका पड़ा होगा खरीद, तो 8 रुपए पे चार का क्या हुआ आपका, चार का जो आपका प्रॉफिट हुआ। आप बताइए 8 रुपये आपका क्रय मूल्य है, 4 रुपये आपका क्या यहाँ पे है, चार आपका क्या यहाँ पे है प्रॉफिट है। इसको सिंपलीफाई करेंगे 1/2 आएगा, तो 1/2 क्या दिखाता है आपका 50% दिखाता है, 50%। समझ पा रहे हैं नहीं यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके नेक्स्ट आपके सवालों पे अगला सवाल यहाँ पे। आप बताइए अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 150 कुर्सियां बेची, 150 कुर्सियां बेची और उसे 25 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे, आपने 150 कुर्सियाँ बेची, 150 कुर्सी आपने बेचा, तो क्या होगा आपको 25 कुर्सियों के बराबर आपका क्या होगा यहाँ पे लाभ होगा। जैसे 150 कुर्सी आपने का बेचा और 25 का लाभ हुआ, इसका मतलब आप बताइए खुद बताइए, अगर 25 का लाभ होगा 150 में बेचा, इसका मतलब 125 में क्या खरीदा होगा, खरीदा आपने होगा, 125 में क्या क्या होगा आपने खरीदा होगा, 125 में 125 रुपये आपका खरीद मूल्य होगा, खरीद आपका जो मूल्य रहा होगा। अरे भाई 125 का आप बताइए, 125 का कोई चीज आप खरीदेंगे 25 का लाभ लेंगे तभी तो इतने बेचेंगे यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं 125 का आपने खरीदा 150 में बेचा तभी तो आपका 25 का लाभ होगा आपका, तो बोलेंगे जी हाँ आपका ये सही आप कह रहे हैं। उसके बाद आप बताइए 25 का 125 रुपये का खरीद मूल्य है, इस पे जो आपका लाभ होगा आपका 25 का लाभ होगा, 25 का लाभ सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आपका जो निकलेगा 5 निकले, 1/2 जो 5 का दिखा था आपका 25 सॉरी 20% आपका दिखा था, तो 20% का आपका यहाँ पे क्या होता, ये आपका सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, है ना, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। आप बताइए समझ पा रहे हैं, इतना बढ़िया से आप पूरे YouTube पे नहीं पाएंगे, पूरा YouTube पे, ठीक है, हर एक सवाल को मतलब टाइप वाइज टाइप, ठीक है, इतना बेहतरीन आपका सलूशन ना कोई देगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अनिल एक कमीज 1400 रुपये में खरीदता है, उसे 15% की हानि पर बेच देता है, कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए, जो आपका 15% क्या दिखाता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 15% क्या दिखाता है, 15% आपका जो दिखाता है यहाँ पे 15/ क्या बोलेंगे 100, 15/100 लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 तिया क्या होता है 15, अब 5 दुना कितना होता है 10, मतलब 20 आपका जीरो आप चिपकाएंगे ना पे, तो 3/20, 3/20 निकला ना, 3/20, 3/ क्या निकला आपका 20 निकला, 3/20, तो 20 आपका यहाँ पे हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस, मान लिया यहाँ पे 20 हमने मान लिया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, आपका कॉस्ट प्राइस है, 3 का लॉस होता है, 3 का लॉस होता है, 3 का हानि होती है, बोला ना 15% की हानि यहाँ पे, 20 का निकालेंगे 15% जो आपका 3 देगा 3, तो 3 की आपकी यहाँ पे क्या होती है आपकी हानि होती है कि नहीं, 20 पे 3 की अगर हानि होगी तो कितने उसको बेचेंगे आप, 17 में बेचेंगे, 17 में 17 की निकालना हो, वैल्यू को निकालना है 17 की वैल्यू, 17 का मल्टीपल यहाँ पे ये नहीं है ना, तो ये है आपके, देखिए दो दो आपके ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, दो दो आपके ऑप्शन यहाँ पे जो 17 के मल्टीपल आपके यहाँ पे, अब क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे आप क्या करेंगे यहाँ पे ये बताइए, ये जो आपका क्या दिया है, ये जो आपका 1400 रुपये क्या दिया, खरीदता मतलब कॉस्ट प्राइस, तो कह सकते हैं जो 20 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, 20 की जो वैल्यू आपके दिया ना, 20 की जो वैल्यू आपके यहाँ पे दिया 1400 रुपये दिया, और 20 की वैल्यू 1400 कितने गुना आपका, बोलेंगे 70 गुना है, 70 गुना है ना, 70 गुना इसका भी कर देंगे 70 गुना, जो आपसे पूछा है, आपसे पूछा है विक्रय मूल्य आपका 17 है, तो कितना आपका 17 सत्ते क्या होता है 100 आपका 19 होता है, तो 1 जीरो आप लगा देंगे, तो 1100 रुपये, 1100 आपका 90 रुपये आपका विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, ठीक है, बोलेंगे हाँ। चले आगे, तब सिंपल सा आपका सवाल था, ठीक है, सिंपल सा आपका सवाल था यहाँ पे,
कुछ नहीं करना था आपको यहाँ पे। 15% क्या होता है, 3/20 होता है, 20 का आपका कॉस्ट प्राइस होता है, 3 की आपकी लॉस हुई, तो कितने में सेल किया होगा आपने, 17 में आपने सेल किया होगा। 17 की वैल्यू आपसे पूछा, 17 का विक्रय मूल्य दिखाता है, ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य आपका है, क्योंकि आपसे पूछा कमीज का पूछा है, विक्रय मूल्य आपसे पूछा, विक्रय मूल्य पूछा है, 17 की वैल्यू है, 17 का मल्टीपल मिलेगा आंसर, 17 के मल्टीपल आपके दो आपके ऑप्शन थे, ठीक है। अगर एक ऑप्शन होता आपका तो उसी को टिक करते, बस आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले सवाल पे, अगला आपका सवाल यहाँ पे, ये आपका सामने अगला आपका सवाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या आपका होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, अगला सवाल का आंसर क्या मिलेगा। इस सवाल को आप ओरली कर सकते, मौखिक कर सकते, मौखिक, ठीक है, विदाउट विदाउट पेन एंड पेपर। अमित एक दुकानदार है, वह निखिल को 960 रुपए में एक टेबल बेचता है, ऐसा करने पर उसे 20% का लाभ होता है, टेबल का लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य ध्यान दीजिए, लागत मूल्य मतलब हमने बताया था शुरुआत में, लागत जो मूल आपका होता है, कॉस्ट प्राइस आपका होता है, कॉस्ट प्राइस आपका, ठीक है। थोड़ा ध्यान दे, अभी आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे। हाँ देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा क्या, लागत मूल्य आपसे पूछा, लागत मूल्य, तो ये जो आपका यहाँ पे क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो इतने आपने टेबल को बेचता है, तो 20% का आपका लाभ होता है, 20% लाभ, तो 20% लाभ क्या दिखाता है, 20% लाभ आपका, 20% आपका जो लाभ यहाँ पे दिखाता है ना, बहुत ध्यान समझिए। अच्छा एक चीज समझिए, ये तुम्हारा तरीका लगाएंगे लगाएंगे, आप बताइए, और किसी वस्तु को जब 20% आप लाभ बेचेंगे, आपका जो होता है क्रय मूल्य, आपका अपने आप में जो होता है 100% होता है, ठीक है, अपने आप में जो होता है 100% आपका होता है। आप बताइए 100 पे 100% पे अगर आप 20% का लाभ कमाएंगे तो कितने में, आप बताइए कितने में उसको सेल करेंगे, आप बोलेंगे 120 में सेल करेंगे। अरे भाई 100% तो आपका क्रय मूल्य था, 100% में 20% आप लाभ कमाएंगे तो कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे, 120 में, लेकिन बेचा आपने कितने में, आप बोलेंगे 960 में बेचा है हमने, 960 रुपए में बेचा है, 960 में। आपसे बोला लागत मूल्य, लागत मूल्य अपने आप में जो होता है 100% होता है, 100% 100% निकालना वैल्यू, तो बताइए कितने गुना आपका, 12 अट्ठे कितना, 96, 8 गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे 120 में कितने से गुणा करें कि आपका 960 है, आप बोलेंगे 8 से गुणा कीजिए, 8 से, तो इसका 8 गुना, तो इसका भी 8 गुना, तो आपका 800 आंसर मिल जाएगा, जो आपका लागत मूल्य होगा, लागत मूल्य ये आपका 800 आपका मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तरीका आपका देखिए एक ये था, बाकी जो आपका अगला जो तरीका नेक्स्ट आपका तरीका सब, ठीक है। ये जो 20% क्या होता है, 20% क्या होता है, 1/5 होता है, तो आप बताइए क्या दिखाता है, आपका क्रय मूल्य दिखाता है, एक क्या दिखाता है, आपका प्रॉफिट दिखाता है, 5 का निकालेंगे 20% तो आपका 1 निकलेगा, 1 आपका प्रॉफिट है, 1 आपका क्या है, प्रॉफिट आपका, 1 आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट लाभ आपका, ठीक है। आप बताइए 5 की चीज़ पे 1 का लाभ होगा तो कितने उसको आप बेचेंगे, 6 में बेचेंगे, 6 में, तो 6 में आप क्या करेंगे, बेचेंगे, बेचेंगे, इसकी जो वैल्यू कितनी सवाल में दिया आपका, 960 दिया, कितने में आप बेच रहे हैं, बेच रहे हैं यहाँ पे 6 में, लेकिन सवाल के आंसर आपका जो बोला है 960 में बेच रहे हैं, कितने गुना आप बोलेंगे यहाँ पे, कितने गुना, 16 के 100 कितना, 60 गुना, 160 गुना, इसका भी कर देंगे 160 गुना कर देंगे, 16 25 80, 10 चिपका देंगे, जो आपका मिलेगा ये मिलेगा, जो भी आपका तरीका पसंद आए उसको आप अचीव कीजिए, ठीक है। अगला आपका सवाल यहाँ पे ये देखिए, आपके UPSI के पेपर का पूछा गया, आपके UPSI के पेपर का, ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना है यहाँ पे आंसर इसका क्या मिलेगा। जब एक डेटा कार्ड को 14,950 में बेचा जाता है तो 30% का लाभ प्राप्त होता है, डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे यहाँ पे, कैसे निकालेंगे आप बताइए यहाँ पे, बहुत ध्यान समझिए,
बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे, ये क्या आपका दिया है, ये आपका जो दिया है विक्रय मूल्य दिया है, 30% का लाभ आप कमाते, आपसे बोला है क्रय मूल्य, बहुत ध्यान समझिए यहाँ पे। आप बताइए जो अपने आप में जो होता है कॉस्ट प्राइस आपका 100% होता है, अगर 100% पे आप 30% का लाभ कमाएंगे तो कितने में उसको बेचेंगे, आप बोलेंगे 130 में बेचेंगे, 130% बेचेंगे 130% में, लेकिन बेचा कितने में है, ये आपका परसेंटेज में सेलिंग प्राइस है, लेकिन रुपीज में आप कितना आपका है यहाँ पे सेलिंग प्राइस है इतना आपका, आपसे बोला क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या 100% की वैल्यू आपको निकालना, 100% की वैल्यू आपको निकालना है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। अरे भाई सेलिंग प्राइस इतने में बेचा तो आपको 30% का लाभ होगा, 30% का लाभ कमाएंगे तो कितने में उसको बेचेंगे, 130 में बेचेंगे ना, 130% में बेचेंगे ना, लेकिन बेचा कितने में है आपने, इतने में बेचा है, इसकी जो वैल्यू आपकी ये दी गई, आपसे बोला है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में जो होता है 100%, 100% निकालना, वैल्यू को निकालना है। तो आप बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जीरो से क्या होगा आपका जीरो कैंसिल, 13 91 कितना, ध्यान दीजिए यहाँ पे 13 91 कितना आपका 13 हो जाएगा, यहाँ भी भाग किया 13 91 13 13 91 13 13 91 13 13 25 कितना 65, तो 115 गुना, और 1% की वैल्यू 115 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलेंगे 11,500 आपका आ जाएगा, सिंपल सा आपका आंसर मिल जाएगा, ये आपका जो निकला, आपका जो निकला ये आपका सी आपका ऑप्शन, UPSI 2000 आपका जो 21 में पेपर हुआ था UPSI के पेपर में पूछा गया है 2021 में, ठीक है चले आगे, परमिशन देंगे चले आगे। अगला सवाल फिर से आपका उसी कैटेगरी का सवाल, और ये आपका सवाल इसको आपको करना है ठीक है, और मौका मिले तो इसको कीजिएगा, बाकी कमेंट में इसका आंसर भी बताइएगा ठीक है। ये आपका देखिए अगला सवाल, अगला सवाल बेहद आपका इम्पोर्टेंट आपका सवाल है, अगला जो आपका बेहद आपका इम्पोर्टेंट आपका सवाल है, कैसे करेंगे, ये तो जो हमने शुरुआत में आपको बताया परिभाषा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, सेम उसी के ऊपर आपका सवाल है, सेम उसी के ऊपर आपका सवाल है, आप बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे। आप बताइए अमर 4500 रुपये में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत 500 रुपये खर्च करता है, यदि वह वॉशिंग मशीन को 4500 रुपये में बेचता है तो आपसे बोला हानि परसेंटेज निकालिए, बहुत ध्यान समझिए, जैसे आप ही मान लीजिए हैं ठीक है, आपकी हैसियत नहीं है नई मशीन खरीदने के लिए, तो आपने क्या किया 4500 रुपये में आपने एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदा ठीक है, अब बिगड़ी हुई मशीन थी आपकी वॉशिंग मशीन, तो फिर उसको आपने क्या किया मरम्मत आपने करवाया ठीक है, मरम्मत 500 रुपये उसका खर्च लग गया, तो आपका 4500 रुपये तो आपने खरीदा है, बाकी 500 रुपये आपका जो जेब से और लगा है आपका जो खर्च करने मतलब जो उसकी मरम्मत करने में, तो टोटल जो आपके जेब से जो पैसा गया है कितना 4500 प्लस 500 4500 आपका तो खर्च मतलब जो हुआ वॉशिंग मशीन को खरीदने में, फिर 500 रुपये आपका जो यहाँ पे लग गया क्या मरम्मत कराने में, तो टोटल जो आपके जेब से पैसा जो गया है 5000 रुपये गया है, 5000 रुपये गया है, 5000 रुपये में आपने खरीदा है उस मशीन को, फिर क्या किया आपने 4500 में बेच दिया, फिर क्या किया 5000 रुपये में आपने लेके आया खरीद को, फिर वापस क्या किया 4500 में बेच दिया है ना, तो आप बताइए यहाँ पे आपसे बोला हानि परसेंटेज इसका ले लीजिए, रेशियो सबसे बेस्ट पड़ेगा, रुपीज से रुपीज 00 खलास हो जाएगा, 5 10 में 50 होगा, 5 9 45 है ना, तो आप बताइए अगर 10 यहाँ पे चिपका ले, 10 यहाँ पे चिपका ले तो क्या होगा, बेस अगर आपका 100 होता है, बेस अगर आपका 100 होता है, जो भी आपका चेंज निकलता है या घटता या बढ़ता है वो आपका क्या निकलता है डायरेक्ट आपका परसेंटेज में आपका होता है, 100 की चीज को आपने क्या कर 90 में बेचा तो क्या होगा आपकी 10 की हान होगी, 10 की हानि, अगर 10 की हानि किस पर हुई 100 पे, इसका मतलब 10% का लॉस पर परसेंटेज आपका 10% है आपका, ये सही आपका ऑप्शन है ठीक है, चलें आगे
चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल ये भी देखिए, आपके यूपीएसआई के पेपर का पूछा गया है, ठीक है। सवाल से मतलब नहीं है, ठीक है, सवाल किसी भी एग्जाम का हो, सवाल का कोई जाति नहीं होती है, ना तो कोई धर्म होता है। मतलब ये समझिए, अगर आपका ये एग्जाम का पूछा हुआ यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ, तो ऐसा नहीं आपके हमेशा यूपीपी के एग्जाम में ही पूछा जाएगा, ठीक है भाई। सवाल है, सवाल आपका किसी भी एग्जाम में आ सकता है आपका, ठीक है। तो सवाल देखें, यहाँ पे एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है, फाइनली क्या करता है, फिर उसको बेच देता है, क्या करता है, फिर आपका बेचता है, उसका लाभ परसेंटेज निकालिए। आप बताइए, यहाँ पे आपसे बोला है लाभ परसेंटेज ही बोला है ना आपका, तो ये जो 3 जीरो लेके आप ढो रहे हैं, ये समझिए 42,000 रुपये में आपने क्या किया, एक पुराना स्कूटर आपने खरीदा, 6,000 रुपये आपने मरम्मत के लिए दे दिया, तो आपका जो जेब से पैसा जो गया आपका कितना, 48,000 गया आपका, 48,000 आपका जो पैसा गया है आपके जेब से, तो फिर आपने फाइनली क्या किया, उसको 5,400 में बेच दिया, है ना, 5,400 में आपने बेच दिया। तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो गया आपका, इसका लेंगे रेशियो, लेंगे रेशियो तो क्या होगा, 3 जीरो यहाँ पे कटा, 3 जीरो आपका यहाँ पे कटा, तो 6 8 48 होता है, 6 9 कितना होता है आपका, 54 होता है। तो एक का प्रॉफिट हुआ, एक का जो प्रॉफिट हुआ किस पर, 8 पे, एक का जो प्रॉफिट हुआ किस पर, 8 पे, 1/8 क्या दिखाता है आपका, 12.5% दिखाता है ना। एक तरीका आपके पास ये है, जो आप लेके जीरो को ढो रहे हैं, जीरो को आप लेके ढो रहे हैं ना, जीरो को आपने यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे लिखा, फिर फाइनली काटा आपने, तो उससे अच्छा आप ना जीरो को पहले में आप हटा लीजिए ना, जीरो को आप क्या करें पहले में हटा लीजिए ना, इसको जो 3 जीरो यहाँ पे दिखा, ये 3 जीरो आपका यहाँ पे दिखा, 3 जीरो आपका यहाँ पे दिखा, और 3 जीरो आपका यहाँ पे दिखा, ये सब कुछ आपका हटा लिया, तो आप कह सकते हैं 42 रुपये की आपकी स्कूटर आपने खरीदा, 6 रुपये आपका यहाँ पे क्या होगा, खर्च हो गया, तो कहेंगे 48 का आपका स्कूटर पड़ गया, फिर क्या क्या आपने 54 को बेच दिया, 54 को क्या क्या बेच दिया, मतलब 54 रुपये बेच दिया कह सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हुआ, 6 8 48 हो गया, 6 9 54 हो जाएगा, एक का प्रॉफिट हुआ, एक का जो प्रॉफिट किस पर, 8 पे, 1/8 का दिखा था आपका, 12.5% आपका प्रॉफिट आपका हो जाएगा, 12.5% का प्रॉफिट आपका हो जाएगा, प्रॉफिट आपका, ठीक है। ये आपका जो दिखेगा यहाँ पे सी, सॉरी सॉरी सी नहीं, आपका बी ऑप्शन, ठीक है। चले आगे, अगला आपका सवाल यहाँ पे, ये अगला आपका सवाल यहाँ पे, अगला आपका सवाल आप बताइए, अगला आपका सवाल क्या होगा, आपका आपका जो अगला सवाल, आप बताइए यहाँ पे, एक अलमारी 14,360 रुपये में लाई गई, इसके परिवहन पर 240 रुपये खर्च किया गया, 15% के लाभ पर बेचने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, आपसे बोला है विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इतने में तो आपने खरीदा है, ठीक है, जो आपने इतने में पुरानी एक मशीन आपने खरीदे, जो भी आपका मशीन है, अलमारी जो भी है, फिर परिवहन पे आपने खर्च कर दिया, परिवहन पे, तो आप बताइए जो 14,360 रुपये में आपने अलमारी खरीदा, फिर 240 रुपये आपका खर्च हुआ क्या, जो परिवहन पे खर्च हुआ, वो भी तो आपके जेब से गया ना, तो आपके जो अलमारी की जो कीमत पड़ी कितनी, ये जीरो, ये जीरो, 3 2 5 1 6, ये आपका 14, तो 14,600 की आपकी अलमारी पड़ गई, जो आपके जेब से गया है, तो ये क्या आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, ये आपका क्या है, क्रय मूल्य आपका, क्रय मूल्य आपका, ये क्या है, क्रय मूल्य आपका, तो आपको 15% के लाभ पे बेचना है। आप बताइए 15% के अगर लाभ पे बेचेंगे, 15% क्या आपका दिखाता है, 15%, 15% क्या दिखाता है, 3/20 आपका 20, अरे 15/100 होगा, सिंप्लीफाई करेंगे 3/20 देगा, तो ये जो 20 आपका दिखाता है कॉस्ट प्राइस, और 3 आपका दिखाता, 3 ये जो आपका दिखाता है प्रॉफिट, आपका दिखाता प्रॉफिट, तो आप बताइए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तब वैसे देखिए 23 का मल्टीपल, 23 का मल्टीपल भी तो आपका ये नहीं है, और न, 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 न,
ए भी नहीं है 23 का मल्टीपल, ए भी नहीं है, ए के ऑप्शन में 23 का मल्टीपल यहाँ पे, ठीक है 23 का मल्टीपल आपका ए के ऑप्शन, क्योंकि 23 7 होता है 161 होता है, बचेगा 6, 23 दिया आपको 69 हो जाएगा, ए के ऑप्शन में 23 का मल्टीपल। तो समझिए यहाँ पे कैसे, 20 आपका कॉस्ट प्राइस है, 3 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने उसको आप बेचेंगे, बोलेंगे हम 23 में बेचेंगे, 23 में है ना, 23 में आप क्या करेंगे बेचेंगे, 23 में बेचेंगे, 23 की वैल्यू आपसे पूछा है, जो आपका विक्रय मूल्य पूछा है 23 की वैल्यू, और ये आपका देखिए कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पे क्या है आपका 20 की जो वैल्यू आपकी ये है, 20 की वैल्यू आपकी ये है, कितने गुना आप 2 7 14 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 0 आपका, इसको भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे यहाँ पे 20 से जब भाग करेंगे ना ये आपका निकलेगा, तो कहेंगे 730 गुना आपका हो रहा है। अरे भाई इस जो नंबर आपका ना 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 से क्या 0 कैंसिल, 2 7 14 2 3 कितना 6 0 आपका आ जाएगा, 730 गुना आपका हो रहा है, ठीक है 700 आपका 30 गुना, तो आपसे बोला क्या आपका विक्रय मूल्य पूछा, इसका भी करेंगे 730 गुना करेंगे, 730 गुना तो क्या मिलेगा, जो आपका निकलेगा ना 0 हो जाएगा, 23 3 आपका 69 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रुके 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 थोड़ा सा रुके, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप गुणा करेंगे ना, 23 3 आपका 69, 23 3 क्या आपका हो जाएगा 69 हो जाएगा 69, और 6 आपका हासिल, 23 7 161, 61 में जोड़ेंगे कितना आप 6 जोड़ेंगे आपका, ये आपका फाइनली जो आपका आंसर निकलेगा, ये आपका आंसर निकलेगा जो आपका था यहाँ पे क्या डी आपका ऑप्शन था, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवालों पे, अगले सवाल पे, ये आपके अगला आपका सवाल यहाँ पे, ये आपका अगला आपका सवाल यहाँ पे, तो आप बताइए यहाँ पे, आप बताइए 3 साइकिलें 16,500 में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पर, देखिए ध्यान दीजिए ये 3 आपकी साइकिलें हैं, 3 साइकिलें, ये 3 साइकिल का आपका जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देगा 3 साइकिल का, और जो आपका प्रति आपका साइकिल का जो परिवहन पे जो खर्च होता है 200 रुपये खर्च होता है, 200 रुपये आपका खर्च होता है, 200 रुपये आपका यहाँ पे क्या होता है खर्च होता है, 8% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, बहुत ध्यान समझिए क्या करेंगे आप, जो आपका यहाँ पे है दिखाई जो दे रहा है आपका, जो आपका यहाँ पे दिखाई जो दे रहा क्या आपका, आप बताइए ये 3 साइकिल का आपका क्या यहाँ पे है क्रय मूल्य, 3 साइकिल क्रय मूल्य है, तो 1 साइकिल क्या हो जाएगा, अगर 3 साइकिल का जो आपका क्रय मूल्य है 16,500 है, तो आप बताइए 1 साइकिल का दाम कितना, 3 5 15, 3 5 आपका 15 हो जाएगा, तो 1 साइकिल का जो आपका दाम यहाँ पे पड़ा कितना आपका 5,500 रुपये पड़ गया, तो 1 साइकिल का जो दाम आपका 5,500 रुपये है, 5,500 रुपये, फिर क्या किया आपने 200 रुपये आपने क्या किया परिवहन पे खर्च कर दिया है, प्रति साइकिल का जो आपका परिवहन पे जो खर्च हुआ आपका 200 रुपये खर्च हुआ, तो आपके यहाँ पे 1 साइकिल की जो कीमत पड़ी क्या, जो 1 साइकिल के जो आपका यहाँ पे कीमत पड़ी आपकी 5,700 पड़ी, ठीक है 5,700 आपका यहाँ पे क्या 1 साइकिल का जो आपका यहाँ पे क्रय मूल्य आपका पड़ गया यहाँ पे 5,700 रुपये पड़ गया, तो फिर क्या होगा आपका 8% का लाभ भी लेना है, 8% का आप लाभ लेंगे, 8% का, 8% क्या होता है आपका 4 दुना 8, और बाकी यहाँ पे क्या 25 आपका आ जाएगा, तो 25 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, 2 आपका प्रॉफिट हो गया, 2 क्या प्रॉफिट हो गया, तो अब बताइए उसको आपने कितने में बेचा होगा, कितने में आपने बेचा होगा, आप बोलेंगे 27 में हमने बेचा, 27 में, 27 में बेचा है, 27 में, 27 के निकालना वैल्यू को निकालना, देखिए बोला है ना विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो 27 का दिखा था आपका विक्रय मूल्य, 27 के निकालना वैल्यू को, 27 में आपका जो आ रहा है ना 9 आ रहा है, 9 9 का मल्टीपल, तो 6 6 12, 12 6 कितना आपका 18, ये आपका 9 का मल्टीपल है, 6 6 कितना, ये भी तो आपका हर एक ऑप्शन जो 9 का मल्टीपल आपका है, हर एक ऑप्शन 9 का मल्टीपल, आप क्या करेंगे, तो आप बताइए जो 25 की वैल्यू यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आपका 25 यहाँ पे दिखाता है, 25 आपका जो कॉस्ट प्राइस है, इसी की वैल्यू आपकी कितनी है, जो आपके 5,700, कितने गुना आप बोलेंगे इसको, आप जब भाग करेंगे ना 57 इंटू में कितना मिलेगा 2500 का आपका 100, तो 57 इंटू में आपका 4 मिलेगा,
57 इंटू में 4 गुना आपका हो रहा है, तो इसका भी करेंगे 57 इंटू में कितना, 57 इंटू में आप करेंगे 4, तो क्या मिलेगा 27 इंटू में आपका कितना, आपका 57 इंटू में आपका 4 मिलेगा। ठीक है, ये आपको देख के सॉल्व करना है यहाँ पे। तो 7 × 49, 9 × 4 = 36, इकाई अंक आपका 6 आपका आएगा, इकाई अंक आपका जो आएगा 6 आएगा। तो क्या देखिए, आप ध्यान दीजिए, 27 × 100 होता है यहाँ पे कितना, 108 होता है, 108 इंटू में आप क्या करेंगे 57, तो बाकी आप गुणा कर लीजिए यहाँ पे, 7 × 8 आपका 56, तो लास्ट में 56 तो आना 100% है, लास्ट में 56 हमको दिखा, एक ही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, एक ही ऑप्शन जो मिलेगा आपका जो 56 मिलेगा। बाकी ठीक है, आप गुणा करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको गुणा करेंगे जो आपका आंसर यहाँ पे डी आपका ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चलें आपके अगले सवाल पे, अगला आपका सवाल लेके यहाँ पे, अगला आपका सवाल यहाँ पे, ये आपका जो अगला आपका सवाल यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका जो अगला आपका सवाल यहाँ पे है, तो ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट आपकी वैरायटी है, मोस्ट मोस्ट आपकी इम्पोर्टेंट वैरायटी है, मोस्ट मोस्ट आपकी इम्पोर्टेंट वैरायटी है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपकी यही वैरायटी आपका पहुँचता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या 10 वस्तुओं का, 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपका, 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आपका है। तो आपसे बोला है लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ परसेंटेज आपको बताना, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, 2 × 5 आपका 10 हो जाएगा, 2 × 4 आपका 8 हो जाएगा, तो सीपी और एसपी कितना आपका निकलेगा, एसपी को हमने यहाँ पे ले दिया, सीपी तो ऐसे ही था जो आपका यहाँ पे 4 है, और 5 को आप यहाँ पर लाएंगे तो बटे में आपका 5 हो जाएगा, तो सीपी की वैल्यू आपकी 4 निकली और एसपी की जो वैल्यू आपकी 5 निकली, तो आप कहेंगे एक का हमारा लाभ होगा, एक का जो लाभ हो किस पर 4 पे, एक का जो लाभ हो किस पर 4 पे, तो 1/4 क्या देखा था आपका 25% देखा था, 25% ये आपका जो आएगा यहाँ पे 25% आपका, ये क्या आपका मिलेगा 25% आपका, जो आपका ये दिखता आपका पहला आपका ऑप्शन। ठीक है, समझ पा रहे, एक चीज समझे, जो आप इतना लिख रहे हैं ना, आपको पता है जो आपका यहाँ पे लगा आपका जो 10 के साथ है, आपका जो क्रय मूल्य लगा है 10 के साथ, आपका जो लगा क्या क्रय मूल्य लगा है 10 के साथ, आपका जो क्रय मूल्य आपका लगा ना, क्रय मूल्य आपका, ये क्या बनता आपका विक्रय मूल्य बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका 5 मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 मिलेगा, तो जो आपका 5 यहाँ पे जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य ये आपका बनेगा विक्रय मूल्य बनेगा, बाकी जो आपका यहाँ पे 4 जो आपका विक्रय मूल्य वो बनेगा क्रय मूल्य बनेगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ये समझिए अगला आपका सवाल यहाँ दिखा रहे हैं आपको, अगला आपका सवाल जो यहाँ पे अगला आपका समझिए यहाँ पे, जो आपका अगला सवाल यहाँ पे है, 100 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 सौ का आपका 80 हो जाएगा, 20 सौ का 80, 20 × 25 क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे सीपी और एसपी का जो अनुपात क्या होगा, सीपी और एसपी का अनुपात 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य एक क्रय मूल्य जो आपका 5 ही बनेगा आपका विक्रय मूल्य बनेगा, विक्रय मूल्य, बाकी जो 4 आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। तो आप बताइए 4 की वस्तु थी, 5 में आपने बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हो, 1 का प्रॉफिट, 1 का जो प्रॉफिट हो किस पर 4 पे, तो 1/4 का देखा था आपका 25% आपका हो जाएगा, ये आपका 25% आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे एग्जाम में जो करेंगे। चलें आपके अगले सवाल चलते हैं, अगला आपका सवाल यहाँ पे, अगला आपका सवाल, अगला जो सवाल बाकी करते हैं आपके अगले दिन, नेक्स्ट आपके वीडियो में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, आपके पास जो भी ग्रुप है, आपके पास है, जितने भी आपके पास दोस्त हैं उनके यहाँ शेयर कीजिए, ये काफ़ी आपकी हेल्पफुल आपकी वीडियो है, शायद ऐसा आपका बहुत कम ही लोगों ने जो पढ़ा हुआ इतना बेस्ट कंटेंट, बाकी इतना बेस्ट आपका सोल्यूशन के साथ पढ़ा हुआ। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।